powered by Zepe. सुनील जी, पहली बार बिटकॉइन का इस्तेमाल कब हुआ और बिटकॉइन से क्या चीज खरीदी गई पहली बार? देखिए, असल में इसके बारे में बहुत किस्म की धारणाएं हैं, पर जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो बहुत पॉपुलर हुई उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बात है मई 2010 के आसपास की। इंटरनेट रिले चैनल्स एक फोरम है जहां पर बहुत सारे डेवलपर्स बातचीत करते रहते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे चैनल के अंदर एक डेवलपर ने किसी दूसरे बंदे को कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तो इस समय कंगाल हूं और मुझे अपने और अपनी बेटी के लिए दो पिज्जास खरीदने हैं, तो कोई बंदा मुझे ये पिज्जास खरीद ले, मेरे पास बिटकॉइन है, मैं उसको बिटकॉइन में पे कर दूंगा। ध्यान रहे कि ये बात है मई 2010 की, जब बिटकॉइन को करेंसी के रूप में कोई सच नहीं मानता था और बिटकॉइन का जो अगर प्राइस कह भी दिया जाए तो उसका प्राइस $0.0001 के आसपास ही होगा, तो इतना कम प्राइस था। तो ऐसे में किसी का ये कहना कि कोई बंदा बिटकॉइन के बदले में मुझे दो पिज्जा खरीद दे, ये थोड़ा सा बचकाना मामला था। तो उसने ये जरूरत अपनी इंटरनेट रिले चैनल में डाल दी और हैरानी की बात ये, किसी दूसरे डेवलपर ने कहा कि अगर तुम मुझे 10,000 बिटकॉइन दोगे तो मैं बदले में तुम्हें दो पिज्जा खरीद दूंगा, और उसने 10,000 बिटकॉइन उसको दिए और उसने दो पिज्जा उसको खरीद के दे दिए। अब ये एक तरह से बिटकॉइन की दुनिया की पहली रिकॉर्डेड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जहां पर किसी ने बिटकॉइन को मनी माना, करेंसी माना। हालांकि ट्रांजैक्शंस पहले भी हुई थी पर वो ट्रांजैक्शन शौकिया ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जब पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि इसको मनी भी माना जा सकता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करना शुरू कर दिया और बिटकॉइन एक करेंसी सिस्टम के लेवल पर एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया।